हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इंग्लिश के कुछ कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ डील करूंगी और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस और नो एरर। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी ई इनसे में से कौन सा आंसर है जो सही होगा, ठीक है। और एक बात है कि कौन सा स्टेटमेंट इस सेंटेंस का जो कौन सा पार्ट है वो आपको गलत लग रहा है कि नहीं इस पार्ट में सुधार होना चाहिए, इस पार्ट में सुधार होना चाहिए, ठीक है। ये फाइंड आउट करके निकालना हम लोग को, ओके। तो रवि प्रिफर्स, ये तो सही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही लग रहा है। टू जॉब, यहाँ पे जो है एक गड़बड़ है। इन एनी ऑफिस, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अगर कोई चेंज नहीं करता हम लोग तो नो एरर का ऑप्शन टिक कर देंगे। तो टू जॉब में प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे टू जॉब है, टू जॉब। तो सिंस टू जॉब क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, राइट। एक सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है टू जॉब, तो इसलिए टू जॉब के आगे जो है हमेशा ए का यूज होता है, ओके। तो यहाँ पे टू जॉब ना होकर क्या होना चाहिए, टू ए जॉब होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग का इन समय से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है, वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेलास या नो एरर। इनसे में से कौन सा है जिसे हम लोग को कोई भी है गलत स्टेटमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इट बीइंग रेनी डे, यहीं पे एक गलत स्टेटमेंट है कि क्या डे जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ओके। तो डे के पहले जरूरी है कि एक ए लगना चाहिए, लेकिन सिंस जो रेनी है वो एक एडजेक्टिव है, ये जो है डे के आगे लग गया है, तो इसलिए हम लोग का सही जो सेंटेंस का जो होना चाहिए वो है ए रेनी डे, ओके। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समन्स वाज सर्व्ड ऑन राम या फिर नो एरर, यानी कि इन समय से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है, जिसमें रॉन्ग ढूंढ सकते हैं हम लोग। तो ये जो समन्स है ये क्या है, एक नाउन है, ओके। तो इसके पहले हम लोग का ए लगना चाहिए, तो ए समन्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे पार्ट ए जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे सम वॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स या नो एरर। इन समय से कौन सा पार्ट है जो हम लोग के यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे पार्ट बी जो है वो गलत है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन ए वे लगेगा, ओके। इन ए वे, यहाँ पे एक ए लगना चाहिए, ओके। हो गया, ये तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कॉलेजियस टू लॉट ऑफ ट्रबल या फिर नो एरर। इनसे में से कौन सा पार्ट है जो गलत है, तो इसमें जो है पार्ट डी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लॉट के पहले एक ठो ए लगेगा, क्या हो जाएगा, फुल टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, ये जो है यहाँ पे फ्रेज यूज होना चाहिए, ना कि टू लॉट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवन दो Our team took the field with a great confidence, the opposition made them eat the humble pie. The humble pie जो है वो एक ठो फ्रेज है, और ये फ्रेज क्या है फुल सेंटेंस में, eat a humble pie. Okay, this is an idiom, right? But यहाँ पे देखो a का यूज हुआ है, ना कि द का, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार या फिर नो एरर। इन समय से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर जो है पार्ट डी है, क्योंकि ए एक्सपेंसिव कार कभी भी नहीं होता है, ओके। हमेशा क्या होता है, एन एक्सपेंसिव कार, क्योंकि ई जो है एक वर्वेल है, ओके। तो इसके आगे एन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही हैड नो इल्यूशन ऑफ बींग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर या नो एरर। इन समय से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एन एडिटर लगेगा, ओके। क्योंकि ई जो है हम लोग का वर्बल में आता है, जिस तरह ये वर्बल में था, तो वर्बल के आगे हमेशा क्या लगता है, एन लगता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट या नो एरर। इन समय से कौन सा पार्ट है जो रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो है पार्ट बी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में क्या मैंडेटरी होता है, द बेस्ट स्टूडेंट, द लगना एकदम कन्फर्म है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का पार्ट बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरव्यूअर आस्क मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज अ ग्रेटर देन एनी अदर पोएट या नो एरर। तो यहाँ पे देन लगा हुआ समझ जाना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री जब भी रहता है, कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या होता है, देन लग जाता है, ओके।
तो यहाँ पे कालिदास वाज द नहीं लगेगा, बल्कि कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का करेक्ट होगा, क्योंकि ये पार्ट गलत है। इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील या नो इरर, इन सब में से कौन सा पार्ट है जो गलत है? तो यहाँ पे पार्ट जो है बी है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे द हायर लगेगा, हायर के पहले द लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ओके, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। तो यहाँ पे हायर सिर्फ नहीं लगेगा बल्कि द हायर का यूज होगा, हायर के पहले एक तो द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस या नो एरर। तो इसमें जो है पार्ट बी जो है वो गलत है, क्योंकि एन अटेंशन ना होकर द अटेंशन होगा। क्योंकि द अटेंशन क्यों होगा? क्योंकि कुछ भी चीज़ जिसमें हम लोग को फोर्स देना पड़ता है उसको फोकस लाने के लिए द का ही हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का रॉन्ग है। अगर आप लोगों को आज के इंग्लिश का जो कंटेंट है इंग्लिश का वो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ नए डेली अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है मेरे चैनल में, आप लोग वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं।